ड्रामा सिर्फ क्यामत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। इफ्रा राशिद से कहती है कि ये शादी एक समझौता है और समझौते के तहत जिंदगी तो गुजार सकते हैं लेकिन सवार नहीं सकते। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर की है, क्योंकि जो जुल्म तुमने समरा पर किया अब मैं उसकी बेटी पर उस तरह का जुल्म नहीं होने दूंगी। राशिद इफ्रा की ये बातें सुनकर काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि समरा ने कभी भी इस लहजे में राशिद से बात नहीं की। उधर नरगिस बेगम नहीं चाहती थी कि इफ्रा की शादी राशिद से हो। नरगिस बेगम हथियार साहिब से कहती हैं कि मैं इफ्रा को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो चलाक और मक्कार लड़की इस घर पर कब्जा करना चाहती है और मैं ये होने नहीं दूंगी। हथियार साहिब अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले तुमने राशिद और समरा के दरमियान दरार डालने की कोशिश की, अब तुम उस इफ्रा के पीछे पड़ गई हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? पहले तुम अपने बेटे की हरकतों को देखो, फिर इफ्रा पर उंगली उठाना। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे जाहिर और गवाह लड़के की शादी उस इफ्रा से होगी। ड्रामा सिर्फ क्यामत की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।